Aqeel. बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाज़रीन, ईस्ट वेस्ट टीवी चैनल को जब से हमने शुरू किया, हमारा जो मकसद था, एम था, एक तो अवेयरनेस, शोर, आगाही। साथ में हमने ये वादा किया था कि हम पाकिस्तान और पूरी दुनिया के अंदर जो पाकिस्तानी या कश्मीरी कम्युनिटी है, और जहां भी अपनी कोई ना कोई खिदमात दे रहे हैं, उनको मंजिलों तक लाना हमारा बुनियादी मकसद रहा। इस हवाले से जो जो हमारा नेटवर्क, हमारा काम आगे बढ़ता है, मुख्तलिफ पाकिस्तान दियारे गैर में बैठे पाकिस्तानी कश्मीरी हमसे रबते में है, वो कहते हैं कि हमारी जो खिदमात है उनको भी कहीं ना कहीं आप जगह दें, ताकि हमारा जो काम है, मकसद है, वो भी आम इंसान तक पहुंच सके। इस लिहाज से मैं आज आजाद कश्मीर के एक नौजवान जिनका तल्लक रावलाकोट की एक यूनियन काउंसिल बंबई से है, और बहुत ही कम अरसे में ना सिर्फ इन्होंने अपने आप को एक बिजनेस की दुनिया में अपना नाम बनाया, बल्कि समाजी तौर पर भी ये अपनी बहुत सारी खिदमात जो मुनास के अंदर तकसीम किए हुए, और इनके हवाले से मैं बताता चलूं नाजरीन के ये उस अजीम बाप के बेटे हैं जिनका नाम सरदार मिस्त्री खान है। मैं समझता हूं कि उम्र के एक बड़े हिस्से को उन्होंने कराची के अंदर जो ट्रेड यूनियंस आती हैं उसके नजर किया, और सरदार मिस्त्री खान साहब जो पाकिस्तान के अंदर भी जितनी भी लेबर्स की ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ मिलकर वो अपनी खिदमात दे रहे हैं, और जहां भी आजाद कश्मीर के अंदर किसी भी फर्द पर कोई जुल्म तशद्दुद, बिलखुसूस रावलाकोट और बाग डिवीजन के अंदर जो भी मामला हो, वो सफे अव्वल के तौर पर हमने देखे, इंतजामिया के साथ भी, उनकी सेहत के हवाले से भी। तो मैं समझता हूं कि ये अकील अहमद खान साहब को विरासत के अंदर ये एक चीज मिली कि जिसको लेकर ये आगे बढ़ रहे हैं। अकील साहब, मैं आपको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहूंगा, और ये पूछना चाहूंगा कि आपने अपनी आंख जो है यूनियन काउंसिल बंबई में खोली, और फिर आगे तालीम की सीढ़ियां तय की, तो फिर पाकिस्तान आए किस मकसद के लिए यहाँ पे आना हुआ? साहब, आपके पूरी टीम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, खुसूसन इस चैनल का, जिन्होंने मुझे ये खिदमत का मौका दिया है। और मैं, मेरी पैदाश लाहौर में हुई, वाले साहब उस वक्त एक निजी कंपनी में काम करते थे, तो उसके बाद वो वापस हमें अपने गाँव ले आए। गाँव आने के बाद उन्होंने हमें यही परवरिश दी कि भाई ईमानदारी और खिदमत, तो चीजें हमें हमेशा से, मेरा काम फ्रंसी का था, उन्होंने बचपन से मुझे ये दिया कि ईमानदारी सबसे बड़ी अहम चीज है। तो आपने अपनी इब्तदाई तालीम जो वो, मैंने इब्तदाई तालीम अपने गाँव कमुटा स्कूल में, मिडिल स्कूल कमुटा, और उसके बाद हाई स्कूल जगह लगा, तो मैट्रिक के बाद आप यहाँ पिंडी, मैट्रिक के बाद मैं डबल पिंडी आ गया। अच्छा, यहाँ पे अपनी, यानी आप तालीम के साथ साथ आपने कारोबारी दुनिया में, तो अकील साहब ये बताएं कि आप के वालिद जाहिर है एक समाजी कारकुन थे, तो आपने बहुत सारी चीजें उनसे सीखी होंगी कि ये जो मामलात है, मसाइल है, लोगों के इनके साथ कहां पे खड़ा रहा जा सकता है। तो फिर आपने पाकिस्तान के अंदर या रावलपिंडी के अंदर आकर एक बिजनेसमैन के तौर पर एक करेंसी का काम शुरू किया, यानी एक पार्टनर की सूरत में, तो वहां पर आपको बहुत सारी मुश्किलात का सामना पाकिस्तान में, चूंकि हालात दो तीन चार सालों से तो किसी हद तक अमन की तरफ है, लेकिन गुज़श्ता जो दौरानिया था उसमें बहुत ज्यादा मुश्किलात थी, तो आप भी मुश्किलात फेस करते रहे, तो कोई ऐसी मुश्किल जिसने आपको, आपके इस बिजनेस के मामले को या आपको ज़हनी तौर पर कहीं मुश्किल में डाला? हमारे साथ जो है 2001 में जो है तकरीबन दिन 2 बजे के टाइम एक टाकू जो है ना खुद के बम जो था, तो हर बंदे को पता है ना, उस दौर में हमें भी, मेरी उम्र भी कम थी तकरीबन ये 15 या 16 साल की उम्र होगी, तो 16 या 18 साल की थी जितनी मेरी उम्र। उस दौर में एक डाकू आ गया, उसने बड़ी अपने घर से मुझे धमकाया, डरा गया कि ये जितनी रकम है मेरे हवाले कर दो, उसकी सारी तस्वीरें भी मैं आपको सेंड करूँगा। और 2010 जनवरी 2001 के तमाम अखबारों में मेरा इंटरव्यू, तस्वीरें, वो सब चीज़ें आई हुई हैं। तो लेकिन मुझे हुकूमत वक्त से उस वक्त की जो शिकायत है वो ये है कि इस तरह उन्होंने नाला यूसुफ़ज़ई बाकी लोगों को ऊपर लेके गए, इस तरह मेरा कोई इंटरव्यू, कोई नाम, बल्कि उन्होंने मुझे ये किया था कि आपको एक शहरी दफा
दफा है कि वो आपको एक सबक देंगे, तो वो थोड़े से बात बहुत मटर जमशेद गुलजार साहब वो खुद हो गए, तो एस पी कभी उमोम साहब थे, फिर वो दूसरा क्या होता है डी एस पी राम सुरजय साहब, वो सब उसके बाद किसी ने कोई सुनत नहीं दी। नहीं, उस वक्त का जो वाकया था वो थोड़ा सा शेयर करेंगे। वो बंदा आपकी कारोबारी जो सेंटर था उसमें घुसाया या क्या मसला क्या हुआ? नहीं, कारोबारी जो 2 बजे का टाइम था, तो मैंने सिक्योरिटी गार्ड मेरा उस टाइम अपॉइंटमेंट के लिए बाहर ही निकल गया, तो वो बंदा जब अंदर घुसा तो मेरे पास एक आदमी और बैठा हुआ था, लेकिन उसमें दिन 2 बजे आया, मैंने फिर पूरे जो है ना अलार्म सिक्योरिटी अलार्म बजाए, लेकिन वो भागने में निकल गया, क्योंकि हमारे वो लाकर होते हैं जहाँ मैं बैठता हूँ कैश रूम के अंदर बैठता हूँ, बाहर जा रही शरीर चलते बाहर आता हूँ निकल गया, लेकिन उसने अपने की तरफ से बहुत धमका है कि ये मैं पूरी बिल्डिंग उड़ा दूंगा, और उसके बाद उसमें वो अखबार में पूरी तफसील लिखी हुई है कि वो बम भी इतना जरूरी था कि आधा राजा बहुत मेडियम मेड कर लेता। उन्होंने कहा था कि 500 फुट तक ये पूरी बिल्डिंग ही गिरा देता और 700 फुट तक ये जितने जितने इसके रेल जाते नुकसान पहुंचा था। अच्छा, वो बम जो तो बम की वजह से ज्यादा लग रही था, तो उसके बाद जो मतलब फौज के लोग आए या जिम्मेदार आए तो उन्होंने आपको कोई सर्टिफिकेट आजाद, मैंने सुना था जमीर जनरल जो कोर्ट मर्डर थे रावलपिंडी ये जो आपके इस जून के थे, तो उन्होंने आपको कोई कोई सर्टिफिकेट वगैरह की मद में कोई या इनाम की सूरत में कोई हौसला अफजाई की या मजीद आपके लिए कोई प्रोग्राम किया कोई इस तरह की बात? नहीं, मुझे उन्होंने हमारी 2 तकरीबों में उन्होंने हमारे 1000 का कुछ इनाम दिया, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि शहरी दफा की आपको एक सनद दी जाएगी जो कि आपको अच्छे शहरी में आपको अहमान होगा, वो फिर किसी ने भी नहीं दिया उसके बाद। तो आर्मी उस वक्त मैंने फुलफिल फोरी जब कॉल की, 1.5 बोल रहे फिर फोरी आ गई, आर्मी के नुमाइंदे आ गए, उन्होंने कोई दस या उसके में 7 मिनट बाकी थे, 7 मिनट के बाद वो राजा गार द्वारा मैं लिमिट हो जाना था, तो 7 मिनट के बाद वो 7 मिनट के अंदर उनकी टीम पहुंच गई, फिर आर्मी आ गई, तो मेरे 1-2 तकरीबन हमारे में एक इधर एस पी ऑफिस में हुई और एक इधर जी एस यू के अंदर हुई, वहाँ पे जो चेक गुजार के सब थे उनके साथ में उनके हमारा बैठक बैठक भी हुई, थोड़ी सी छोटी सी या किसी तकरीब हुई उसमें उन्होंने एक एक हजार रुपये इनाम दिया। उसके बस मेरे साथ 2 बंदे और भी थे जो उन्होंने मेरे साथ काम किया, वो भी उनका भी इंटरव्यू तस्वीरें वगैरह साथ है। नाज़रीन एक वक्फा लेते हैं यहाँ पे आपके मोबाइल। नाज़रीन वक्फे के बाद दोबारा हाजिर हैं। अकील साहब, यकीनन जो आपने अपने जो आपके साथ वाका हुआ या जिस वाके के बाद मैं समझता हूँ कि आपकी जितनी भी हिम्मत की दाद दी जाए कम है कि आपने एक बड़े पाकिस्तान को या पाकिस्तान के शहर को तबाही से बचाया और इंसानी जानों का ज़िया होता और मुश्किलात से बचाया, तो ये यकीनन मैं समझता हूँ कि यहाँ पर इनाम जो देना होता है वो अल्लाह की जात ने देना होता है और आपने बड़ी दिलेरी का मुजाहरा किया, और मैं समझता हूँ कि इसमें भी आपके जो वालिद मोहतरम हैं उनकी दी गई तरबियत का एक हिस्सा था कि जिसके अंदर ये आपने किया, तो अब उस हवाले से भी हम इंसानियत के साथ जो जुड़े लोग हैं जो इदारे इंसानियत की फलाह के लिए काम करते हैं या जो भी दियारे गैर में या पाकिस्तान के अंदर जो भी लोग मोहिब वतन हैं जो इंसानों की जान को बचाने के लिए अपनी जिंदगियां तक कुर्बान करते हैं या उनका जो रिकॉर्ड होता है, हम उनसे भी अपील करेंगे कि आप जैसे दोस्त जो है उनके साथ कहीं ना कहीं लिंक्स तल्लुकात बढ़ा जाए ताकि आने वाले मामलात के ऊपर कहीं भी कहीं इस तरह के नौजवानों की हौसला अफजाई होती रहे। तो दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि आपका जो समाजी तौर पर भी एक बड़ा काम है, खिदमात हैं, आप कहीं भी मुश्किलात के शिकार लोगों की मदद करते हैं, और इस हवाले से आप बताएं कि आपका जो आबाई इलाका है यूनिवर्सल बंगुई उसके हवाले से थोड़ा सा बताएं। आपका चूंकि माशाल्लाह हर हफ्ता 10 दिन के बाद जाने आने का होता है, अपने गाँव में जाके आप किसी न किसी जो प्रोग्राम होता है उसमें हिस्सा लेते हैं, तो वहां पर आप किस इस वक्त आपके माशाल्लाह हरकर नंबर 4 के अंदर सिद्धार्थ सईद अहमद खान मेंबर कश्मीर काउंसिल भी मुंतखब हैं, तो आप अब किस तौर अपने हल्के को देख रहे हैं या वहां पर किस तरह की तब्दीली महसूस कर रहे हैं? अल्लाह का शुक्र है कि सरदार सईद साहब के बाद क्या बल्कि हमारे यूनिवर्सल बंगुई और ये हरकर नंबर 4 में बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है, इसलिए कि वो इंतहाई बेलोस आदमी है, कोई करप्ट नहीं है, लेकिन जो थोड़ा सा ये हमारा ये मसला ये है कि हमारी पुलिस और करप्शन, ये नौजवान को 5-7 हज़ार बैठा हो जाए, हम सब इस पर गर्व करें और ये करप्शन खत्म करें, क्योंकि लोग इतनी बेरोजगारी इतनी ज़्यादा हो गई है और जिन जिन का पास सरकारी नौकरी है वो 25 साल के बजाय 4 साल तक नौकरी कर रहे हैं, और जो पीछे पढ़े लिखे हैं उनसे डबल ट्रिपल तालीम ज्यादा हासिल की हुई है, वो बेचारे 5,000, 6,000 और 10,000 के तक
नौकरी के लिए दर बदर ठोकर खा रहे हैं। हमारा जो भी नौजवान है 12वीं 14वीं पढ़ने के बाद सऊदी अरब में जाके मामूली सी लाख 1200 रुपया कर नौकरी कर रहा है, क्योंकि वो मजबूर है। हालांकि ये हम सही हिसाब से हमारी बैठक भी हुई थी, वो इस पर दफा वो इसी अपने दौर में वो एक ऐलान करेंगे, बड़ा ऐलान करेंगे। उसमें इंशाल्लाह हम कम कोशिश करेंगे 500 से 1000 आदमी को जो है ना अपनी यूनिवर्सल मुंबई में एक साथ आपके सामने आएंगे कि वो मिल बैठ के एक बात करेंगे, उस पर कोई कंपनी बनाएंगे। उसके बाद उन्होंने जो संताल का प्रोग्राम भी शुरू किया वो बहुत अच्छा है। अच्छा, ये इसको सरदार शहीद अहमद खान साहब के जो भतीजे तनवीर इलियास साहब देखभाल कर रहे हैं, तो इसमें क्या किस तरह का ये हॉस्पिटल बन रहा है? इन्हें स्पेशल किसी काम का है जिस तरह टीबी का होता है, कैंसर का होता है, या ओवरऑल इसके अंदर? नहीं नहीं, इसमें ओवरऑल काम होगा, इसमें हार्ट टीबी कैंसर बहुत तमाम जो बड़े डॉक्टर हैं वो सब बाहर मुल्क बैरूनी मुल्क से आ रहे हैं। अच्छा, जब बैरूनी मुल्क से आ रहे हैं अपने मुल्क के भी होंगे, लेकिन सबसे ज्यादा कोशिश इनकी ये है कि सबसे अच्छे से अच्छा डॉक्टर हो। ये क्या समझते हैं आपके ये जो इनकी सामाजिक खिदमत है उनके हवाले से ये कोशिश हो रही है, या इसके अंदर जो हुकूमत की तरफ से भी उनके साथ कोई तावन है, या हुकूमत का भी इसमें कोई किरदार है? नहीं नहीं, हुकूमत का कोई किरदार नहीं नजर आ रहा। जो तमीर इलियास साहब वैसे भी वो बहुत ही नाइस आदमी है, और वो गरीबों के लिए भी काम करते हैं, उनके वाले साहब की बहुत खिदमत है, उनके दादा अबू की भी बहुत खिदमत है। वो बहुत छोटे थे तो वो यूनिवर्सल मंगई के जो चेयरमैन बने थे, और आज दिन तक जो जहाँ भी गाँव में कोई अच्छाई बुराई हुआ वो अभी भी इस उम्र में भी वो उनके वालिद साहब जिन्होंने सऊदी अरब के अंदर बड़ी खिदमत की, फिर तनवीर साहब यहाँ पे दे रहे हैं, और ये लगता यही है कि उन्होंने आजाद कश्मीर के अंदर जो लोगों के लिए काम किए वो शायद ही कहीं उसकी कोई मिसाल मिलती हो। तो यहाँ पर अकील साहब ये भी बताए कि आप के चूंकि वालिद मोहतरम का भी बड़ा खिदमत के अंदर यानी इंसानियत की खिदमत के लिए बड़ा किरदार है, कंट्रीब्यूशन है, तो उस हवाले से भी आप कोई एक इरादा रखते थे कि उनके नाम के ऊपर कोई ऐसा इदारा बनाना है वेलफेयर की, जिसके हिसाब से आप कोई ऐसा इरादा भी? नहीं नहीं, मेरा प्रोग्राम है इंशाल्लाह मैं जल्द बनाऊंगा के नाम पे एक ट्रस्ट बनाना चाहता हूँ, और वैसे भी मैं कंपनी रजिस्टर करवा रहा हूँ मदद के, उसमें भी काफी लोगों को मौका मिलेगा मुलाजमत का। अच्छा, वो किस तरह की उसके बड़ी खुशखबरी आपने सुना दी? जूम काम करता हूँ ये जो तमाम दुकानदारों को सेल काम। अच्छा अच्छा, उसके हवाले से भी हवाले से मैं बनाना चाहता हूँ, जिस तरह तमीर साहब ने एक छोटा छोटा सेटअप बनाया है, उनके पास मालियत तो ज्यादा है, हमारे पास मालियत भी कम है, लेकिन उससे उसके बावजूद भी हमारे अंदर आस पास गरीब जितने भी होते हैं वाले सब भी सपोर्ट करते हैं, और मैं भी करता हूँ जहाँ तक हमारी तरफ से तौफीक होती है। लेकिन कोशिश ये की हमें पहली कोशिश ये होती है कि अपने गांव से शुरू करें, अपने मोहल्ले से शुरू करें, तो दूर तक जो कोई भी मिलता है जो जितनी हमारी हस्ब तौफीक होती है उसकी खिदमत करते हैं, क्योंकि वालिद साहब हमारे जहाँ भी जाते हैं कोई ना कोई उनको मिल ही जाता है। पिछले हर से पुलिस चौकी वाले को पता है कि लड़की बेचारे भी बहुत गरीब थी, तो घर मैं तो घर होता नहीं, मुझे फोन पिक चाहिए लड़की को, मैं घर लेके आऊँगा, मेरे घर फिर पूरी उन्होंने उसका अरेंजमेंट किया, 3 दिन उसको खर्चा बोलता है, उसको अपने गाँव को जाया, बाहर से किसी ने शादी करके लेके गया था, उसके साथ बेचारे के साथ उसके ससुराल वाले जाती कर रहे थे, तो वालिद साहब का तो हमारे वालिद साहब उनके वालिद साहब की उम्र तकरीबन बराबर ही होगी, ये थोड़ी बहुत कम है, लेकिन हमारे वालिद साहब शुरू से उन्होंने औलाद से भी ज्यादा लोगों को ज्यादा तरजीह दी है, और वो हर जगह पे वो इंसाफ चाहते हैं। जी जी, तो हम भी यही चाहते हैं, अगर हम सब लोग मिलकर करप्शन खत्म कर दें, जिस तरह शहीद साहब कर रहे हैं, अगर शहीद साहब के पास पावर है वो अगर इस्तेमाल करें तो एक दफा करप्शन खत्म हो जाए तो हमारा तमाम इलाका ठीक हो जाए। तो पाकिस्तान के अंदर रहते हुए आपको जो कोई मुश्किलात है जिनका सामना है वो भी कोई अगर समझते हैं कि इसका भी कोई किस तरफ जाना चाहिए, हम लोग जो बिंगे कश्मीरी यहाँ पर हमें कैसा रोल प्ले करना चाहिए? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह काफी बेहतरी आ गई है, जो शरद दौर हुकूमत में जो हालात खराब हो गए थे 1998 से लेकर, क्योंकि मैं बैरून मुल्क भी जाता रहता हूँ, 2-3-4 मुल्कों में मैं गया हूँ, 98 से पहले हम जब नवाशी हुकूमत से पहले जब हम किसी मुल्क में जाते थे तो हमारे पासपोर्ट देख के शूट किया जाता था, शरीफ साहब ने ये किया कि ये दहशत गर्द टेररिज्म पता नहीं क्या क्या ले आए, उसके बाद हमारे पासपोर्ट की वैल्यू ही कोई नहीं, ये शुक्र अलहमदिल्लास्ट जब जो ये हमारा जनरल पिछले दौर में गुजरा मुंडी की हुकूमत चौधरी साहब ने इतना अच्छा काम कर दिया कि अब थोड़ी थोड़ी हमारी इज्जत बढ़नी शुरू हो गई है पासपोर्ट की, अब बाहर जाए तो कोई लोग अच्छी नज़र से देता है, पहले तो हमारा पासपोर्ट देखे तो पहले दूसरी ब्लैक लिस्ट में लगा देते थे जल्द साइड पर। तो कोई पैगाम आखिर में नौजवानों के लिए कुछ देना चाहें? अगर नौजवानों के लिए यही पैगाम है कि मेहनत करें, जिस तरह हम दिन रात मेहनत करके हम कोशिश करते हैं कि भाई कोशिश करें कि हाथ खिलाए नहीं, कुछ किसी को दें ताकि आगे हमारी नस्ल जो है हाथ खिलाने के काबिल न हो, वैसे भी हमारा मुल्क भी बहुत ज्यादा कर्जों के नीचे,
जब हम अपने आप को सही सेटल कर लेंगे तो इंशाल्लाह ये घर सेटल होगा, घर के बाद मोहल्ला सेटल होगा, मोहल्ले के बाद इलाका सेटल होगा, इलाके के बाद मुल्क सेटल हो जाएगा। नाज़रीन तनवीर अहमद साहब ने जिस तरह बड़ी खूबसूरत अंदाज में ये बात भी कही कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो मुलाजमतों की सूरत हाल है उसमें यही है कि जिस इंसान ने आज से 40 साल पहले मुलाजमत स्टार्ट की आज तक वो बैठा हुआ है और बेरोजगारी की जो हदें छू गई है, हमारे नौजवान पढ़े लिखे वो ज़हनी तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं और फिर इन्होंने अपनी जिंदगी का जो वाकया उनके साथ बीता वो शेयर किया, तो जहां पर इन्होंने बहुत सारी इंसानियत को बचाने के लिए एक अपनी जान दाव पे लगाई और फिर साहब ने वालिद साहब के नाम पे एक फलाई इदारा कायम करने की ख्वाहिश जाहिर की और आज़ाद कश्मीर में बहुत जल्द एक कंपनी जिसके जरिए ये बहुत सारे वहाँ पर अवामुन नास को जिंदगी की जो जरूरियात की अशिया है वो भी बेहतरीन जो उनकी हालत होगी, क्वालिटी होगी, मियार होगा और साथ में रोजगार के वहाँ पे वाके मिलेंगे। इस वक्त तक के लिए नदीम साहब को इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।